नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप को लेकर सियासी हलचल लगातार जारी है। एनसीपी ने साफ कह दिया है कि देशमुख गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि माना जा रहा है कि उनके इस्तीफों को लेकर आज आखिरी फैसला हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस के चीफ अनिल देशमुख के ज्ञानेश्वर बंगले पर पहुंचे। सूत्रों ने बताया है कि वह यहां मनसुख हिरन हत्याकांड की जांच रिपोर्ट देने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल सत्ताधारी महाअघाड़ी गठबंधन की आज बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देशमुख के इस्तीफे पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का आरोप है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 1,100 करोड़ रुपए की वसूली करके उन्हें पहुंचाए। सिंह के आरोप पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि चिट्ठी में लगाए गए आरोप गंभीर जरूर है, लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं दिया गया है। पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में आखिरी फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि इस आरोपों की गहन जांच जरूरत है।